देश में जहरीली हवा के साथ ही अब लोगों को बढ़ती सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरे के साथ कपकपाती ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों तक देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और बढ़ सकती है। इस बीच राजधानी दिल्ली में इस सीजन की सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और अनुमान लगाया जा रहा है कि पारे में और भी गिरावट हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा ने मौसम को और भी ठंडा कर दिया है। IMD के अनुसार 19 दिसंबर को जम्मू कश्मीर का तापमान और गिरेगा। पारा गिरने से अंचल में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में 2 से 3 दिनों तक कोहरा भी छाया रह सकता है, साथ ही शीतलहर चलने के भी आसार बन रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में शीतलहर का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया है। IMD ने बताया है कि बर्फीली हवा के कारण आने वाले दिनों में पूरा उत्तर भारत गंभीर शीतलहर के चपेट में आ जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब ठंड ने एंट्री ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक UP में भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शीतलहर का आगमन हो चुका है और इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगा और धीरे धीरे इसकी चपेट में पूर्वी यूपी के जिले भी आते जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोगों को गंभीर शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।